Good morning, students. Today I explain part second, exercise 8.3, subject maths, class 8. Part first में exercise 8.3 के question number 1 to 6 का explain कर चुके हैं. देखो यहाँ पे compounded annually principal 8,000 rupees 5%. Find the amount at the end of the second year. इसका मतलब है time 2 year. तो आपको amount निकालना, amount का formula amount principal 1 plus r upon 100 या time. Amount principal 8,000 1 plus rate 5 upon 100 t. इसे काट भी सकते हैं 20. अब अमाउंट 8,000 एलसीएम 20 तो 1 की जगह जो नीचे डिजिट है वही रखेंगे. टाइम 2 ईयर है यही रख देना था. अमाउंट 8,000 इंटू ये 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 टू टाइम्स लिखेंगे. 2 0 से ये 2 0 क्रॉस, 2 4 जाए 8 40, फिर 2 से कट रहे 20. इनका मल्टीप्लाई 21 2 जा इंटू 21 8 8 0 8 8 2 0 ये एक आंसर है, अमाउंट आ जाएगा. अब जो ये पार्ट फर्स्ट का आंसर है, पार्ट सेकेंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, एक ईयर का निकालना है तो अमाउंट ये लेंगे. सॉरी प्रिंसिपल 8,820 टाइम सिर्फ 1 ईयर रेट 5%. तो हाउ कैन वी फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, पहले अमाउंट ही निकालेंगे. प्रिंसिपल 1 plus r upon 100 ये इसको सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड करें. पी सिंपल इंटरेस्ट पी टी आर अपॉन 100 क्योंकि इसमें हम प्रिंसिपल ये ले रहे हैं 2 ईयर वाला, तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड कर लेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट 8 8 2 0 टाइम 1 into 5 upon 100 0 से 0 5 2 जा 10 2 से 4 4 1 तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 441. 1 ईयर के बाद इसका ये इंटरेस्ट होगा. इट इज क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्यूशन पहले कर दिया है. प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 1.5 ईयर है, टाइम को जो हमने चेंज किया 2 1 जब 2 1 3 by 2 years रेट 10% पर है. ये क्वेश्चन है फर्स्ट में, इसमें दो पार्ट. पहले तो उसने कह कि आप ये फाइंड करो हाफ ईयरली से, हाफ ईयरली से अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करें. तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला ये है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 plus r upon 200 या 2t. 10,000 वन प्लस अमाउंट 10 upon 200 टू ये टू यहाँ पे है, टाइम 3 upon 2 टू से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया. अमाउंट 10,000 इसका एलसीएम 20 तो यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 आता है एलसीएम में जब 1 होता है प्लस 1 तो 21 upon 20 पावर में 3 है तो 3 times लिखेंगे अगले स्टेप में. अब इसको हमने 0 से 0 काट दिया,
2 5 10, अब ये कट नहीं रहे, 21 into 21, जो आंसर आएगा उसका 321 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसका फिर 5 से, नीचे 2 2 4 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 11,576.25, ये तो अमाउंट हो गया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ये 11,576 माइनस 4.25 माइनस 10,000, ये माइनस किए तो 1,576.25 बचे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली से भी लिया गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आप इसको एनुअली से भी फाइंड करें, तो कंपाउंडेड एनुअली, प्रिंसिपल वही है, टाइम वही है, रेट वही है। अब एनुअली का फॉर्मूला ये है, ए इक्वल पी ब्रेकेट में 1 + R/100 टाइम, वैल्यू रखी 10,000 ब्रेकेट में 1 + 10/100, 1 अमाउंट 10,000 इनटू देखो 0 से 0, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो गया एलसीएम में, 10 + 1 = 11/10, इसको काट देंगे 11 बन जाए 11,000, ये तो 1 ईयर का, क्योंकि ये 1.5 ईयर है, तो 1 ईयर का तो इस फॉर्मूले से, अब बच गया हाफ ईयर का, हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट से, बट उसके लिए अमाउंट ये लेंगे 11,000, 10% फॉर हाफ ईयर, क्योंकि 1 ईयर का हमने पहले निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी इंटू टी इंटू आर अपॉन हंड्रेड, 11,000 × 1 × 10/100, 2 ये नीचे आया 1/2 है, तो 0 से 2 0 कटी, 2 5 10 इसका इंटू किया, 1 1 0 से 5 का तो 550, टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल है उसमें 550 ऐड कर दे, 11,550। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 11,550 माइनस 10,000, 1,550 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम कंपेयर करते हैं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, इसका ये है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बना, ये उसने फिर पूछा कि किस में इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, तो इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली मोर देन एनुअली, तो इट इज क्लियर। इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर पहले हाफ ईयरली से निकालना था, फिर एनुअली से निकालना था, फिर उनके इंटरेस्ट का कंपेयर करना था, फिर बताना था। देखो सॉल्यूशन 9 क्वेश्चन में प्रिंसिपल 4096, टाइम 18 मंथ, रेट 12.5%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे हम बच्चों देखें टाइम 18 मंथ, बट हम इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने में कभी भी मंथ यूज में नहीं लेते हैं, हम यूज में लेते हैं ईयर, तो इसलिए 18 को किससे डिवाइड करेंगे 12 से। अब 18 / 12, 12 × 12 या 6 ऊपर 12 नीचे, ये आ गया 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ये कट रहे 1 whole 1/2 year, 1 whole 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 1 = 2 1 3/2 year, ये भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन है, 12 2 = 24, 1 इस पे ऐड करेंगे 25/2%। अब ये फॉर्मूला आपने काफ़ी बार रिवाइज कर लिया, आपको भी याद हो गया होगा हाफ ईयरली का, कि ए इक्वल प्रिंसिपल 1 + R/200 और यहाँ 2t, प्रिंसिपल की जगह 4096, ये 1, रेट 25, और 25 के अपॉन 200 ये लिखा, फिर ये 200 भी है, चाहे इसको 2 × 200 कर लिया 200 करें, और यहाँ 2 टाइम 3/2,
देखो टू से टू कट गए, अब यहाँ भी आगे करेंगे अमाउंट 40961 प्लस 25 अपॉन 200 से 2 का इनटू किया 400, 2 से 2 कट गया था यहाँ, 2 से 2 क्रॉस हुआ तो 3, 25 ये 16 बार कटेगा, अमाउंट 4096 एलसीएम 16 तो यहाँ 16 प्लस 1 4096 17 और 1 17 अपॉन 16 तीन बार लिख दी, अब 16 से ये कटा 256, फिर 16 से 256 कटा 16 टाइम, 16 से 16 कट गया, इन तीनों का इनटू करोगे तो ये आएगा 4913, तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज 4913, इतना पैसे देने के बाद इतना पैसा वो रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलेशन इन 2003 इज 54,000, इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 5%, यानी पॉपुलेशन 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 2003 में भी ये पॉपुलेशन थी किसी कस्बे की, तो पहले पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो पॉपुलेशन दो तरह की होती है, एक मतलब पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन होती है, बट प्रेजेंट पॉपुलेशन को पी के हिसाब से यूज करेंगे, बिफोर पॉपुलेशन को पी जीरो के नाम से, और आफ्टर पॉपुलेशन को पी वन के नाम से, यानी ये सिंपल पी मीन्स पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी, बिफोर पॉपुलेशन यानी या तो प्रेजेंट की दी हुई है तो पॉपुलेशन या तो पहले की पूछेगा या बाद की पूछेगा, तो इसमें 2001 में पूछी है पहले की, तो वो सिंबल आपको बनाने हैं, चाहे इसको पी जीरो बना लें, इसको पी वन, इसको पी टू, यानी ये बिफोर पॉपुलेशन, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन, पी आफ्टर पॉपुलेशन। अब ये फॉर्मूला है कि यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला अब लिख रहा हूँ, लिखा नहीं है, यहाँ पे पहले की पॉपुलेशन पूछी है, तो फॉर्मूला होगा पी वन इक्वल पी जीरो वन प्लस आर अपॉन 100 या पी, तो पी वन पहले की पॉपुलेशन दी हुई है, यानी प्रेजेंट को पहले की पॉपुलेशन पूछी है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी ये पॉपुलेशन से पूछी है, यानी ये दी हुई है, तो यहाँ पे हमेशा पहले वाली पॉपुलेशन आती है, जैसे अमाउंट में हम रुपीज लिया करते थे वो, तो यहाँ अमाउंट निकालते, तो अमाउंट में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2003, तो पॉपुलेशन पहले की कितनी, इसका मतलब ये तो अमाउंट की जगह है, समझ रहे हैं मेरे बात, जैसे हमने ए प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 इसी से मिलोगे, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और वो सब जुड़े रहते थे, तो ये 2003 की 2001 की पूछे, तो यहाँ पे पहले की पॉपुलेशन में एडिशनल पॉपुलेशन दोनों जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा 54,000, अंडरस्टैंड, यानी जो अमाउंट की जगह यहाँ तो है, यानी पहले अमाउंट की जगह तो ये आएगा, अब प्रिंसिपल यानी पॉपुलेशन, प्रिंसिपल की जगह पॉपुलेशन जो निकाली पहले वाली है वो आएगा, वन प्लस आर की जगह वो रेट 5/100, ये कट रहे हैं 5 1 5, 5 2 10 और 0, 54,000 प्रिंसिपल, यहाँ पे एलसीएम 20 तो 21 21/2 पावर में 2, 54,000 पी इंटू 21/20 इंटू 20 अब पावर में 2 है तो दो बार लिखेंगे, अब देखो पी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 54,000 से 20 इंटू 20 21 इंटू 20
पर नीचे, ये थ्री से कट रहे हैं 18,000, ये थ्री सेवन जाए 21, ये थ्री सेवन जाए 21, थ्री सिक्स 6,000, इनका इंटू किया तो ये आया ये 77 जा 49, ये मैंने डिवाइड किया है, ये डिजिट आई है देख ले। तो ये कभी भी पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं आती है, पूरी पूरी होती है, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे या राउंड ऑफ कर लेंगे, या फाइव से ज़्यादा डिजिट है तो पहले वाली इस डिजिट में प्लस वन करेंगे, प्लस वन करेंगे तो ये 48980 अप्रॉक्स आपकी पॉपुलेशन है। सेकेंड पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में तो अब देखो यहाँ पे 2003 की है, तो आगे वाली पॉपुलेशन ऊंची है, इसका मतलब अमाउंट निकल हुआ है, क्योंकि उसमें अमाउंट आता तो पैसे में पॉपुलेशन की जनसंख्या बढ़ती है उसमें धन बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब वो यहाँ आएगा जो तुमने ये सिंबल बनाए थे P1, P0, P2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है P2 निकालना है आप लोगों को। अब P2 पॉपुलेशन 54,000, फॉर्मूला ये है पॉपुलेशन 1+R/100 टाइम पॉपुलेशन 54,000 रखेंगे 1+R/100 टू 5 × 5 = 20 से कट जाएंगे, पॉपुलेशन 54,000 20 है या एलसीएम लेंगे तो 21 ऐड किया 21/20 पावर में 2। अब देखो यहाँ से 20 से 20 कटेगी, 2 से 270 बार कटा, फिर 2 से 135 × 21 करेंगे तो जो पॉपुलेशन P2 आई है 59535, ये 2 साल बाद आ जाएगा। 2 ईयर क्यों आया क्योंकि ये 2003 की थी, 2001 पूछा था तो 2 ईयर पहले की पूछे भी है रेसिप्रोकल हुआ, यहाँ पूछे 2005 की तो 2003 से 2005 तक 2 ईयर आ गए, इसलिए टाइम 2 आया। इट इज क्लियर? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, इसमें जो बैक्टीरिया है वो दे रखे हैं 50, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन 506,000, 5,06,000, रेट 2.5% पर आवर, यानी इंक्रीज हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, टाइम 2 आवर, फाइंड आफ्टर 2 आवर, यानी 2 घंटे बाद उन बैक्टीरियों की पॉपुलेशन कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो हमें पॉपुलेशन निकालनी है, अमाउंट मींस पैसों से संबंधित है, बट यहाँ पे हम अमाउंट का मतलब ये मानेंगे कि जो बैक्टीरिया उसमें कितने ऐड हुए थे, ये तो निकालना है। पॉपुलेशन 1+R/100 ए, यानी आपको अमाउंट की जगह हमने नहीं बताया था पहले P1, P0, P2, तो यहाँ P2 निकालना ये मान, फॉर्मूला रखा ये P1+R/100 या P2 506,000 1+2.5/100 × 2 P2 506,000 कोई लिखा रहा या हमने 100 एलसीएम लिया तो यहाँ 100 मानेंगे, 100+2.5 है क्योंकि 100 बन जाए 100 तो 1 × 2 होगा पावर 2, 506,000 1 × 2.5/100 दो बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 टाइम्स है। अब मैं इस एक का एक्सप्लेनेशन यहाँ बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने रिव्यू किया 1025/100, तो पॉइंट की जगह 1 आगे 1 डिजिट था तो 10, यानी 10 आ गया पॉइंट रिव्यू। अभी हमने 5 से काटे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 05 बार कटेंगे, फिर 5 से 41 और ये 20,
इसका एक का सॉल्यूशन 41/40 है, तो ये 506000 इसका मतलब भी वही 41/40, इसका मीन्स भी 41/40, क्योंकि यहाँ काट के थोड़ा घिच पिच हो जाता है, समझ में नहीं आता। 20 से 20 कट गई। उसके बाद ये 4 से डिवाइड किया 5060, तो 1265 आया। 1265 × 41 × 41, पहले हम 41 × 41 की ये आए 1681, 1681 का 1265 से इंटू किया तो किया है 21,26,465 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो ये डिजिट यानी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पॉपुलेशन आदि नहीं होती, या तो उसको फुल काउंट करते हैं या यानी कहने का मतलब राउंड ऑफ करनी होती है। तो ये डिजिट 25 से कम है तो यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, 531616 अप्रॉक्स। सॉल्यूशन 12, सॉल्यूशन 12 में जो पॉपुलेशन है 42,000 है, रेट 8% डिप्रिसिएटेड यानी 8% घट रहे हैं, तो टाइम 1 ईयर, 1 ईयर के बाद क्या होगा? अब देखो जब घट रहे हैं तो यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस, वो यहाँ पे हमें निकालना है कि उसके बाद कितना होगा पॉपुलेशन 1 − r/100 t, यानी अब पी टू ही निकालना है, बट ये प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। अब पी टू 4200 1 − 8/100 टाइम 1 ईयर है, तो 1 लिखें। ये पी टू या अमाउंट सिर्फ पैसे संबंधित है, इसलिए नहीं, अमाउंट बाद में कम हो रहा है तो कम आएगा, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा आएगा। 4200 ये 4 से कट गए, 4 × 8 = 25, 25 कैल्सियम लिया है यहाँ, 25 इसकी जगह है नहीं 2 यहाँ, 4200 सॉरी 42,000। अब 25 में से 2 गए तो 23/25 या 42,000, 25 से हमने इसको काट दिया 1680 बार कटा है, 1680 × 23 = 38,640 ये पॉपुलेशन होगी 1 ईयर के बाद। या और यहाँ तो शायद रेट है, उसमें रेट ही है कि मूल्य तो अमाउंट ही ठीक है उसके लिए, तो इट इज क्लियर। यानी पॉपुलेशन जनसंख्या पूछे तो पी वन या पी टू यूज करें, पैसे का पूछे तो हमने अमाउंट शुरू से यूज किया ही है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, हमने पार्ट 1 ऑलरेडी भेज चुके हैं 8.3 का, उसमें क्वेश्चन नंबर जो इसमें नहीं है वो पहले करा चुके हैं, शायद उसमें 6 तक है, और उसके बाद 7 से 12 तक इस पार्ट में। तो आई होप दैट आपने 8.3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। ये पार्ट सेकंड 8.3 का 7 से 12 है, तो आई होप दैट ये भी आपको समझ में आएगा। सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, फॉर्मूले सभी को सिमिलर चल रहे हैं। हाफ ईयरली थोड़ी समरी है, हाफ ईयरली एनुअली ये आप सब सॉल्व कर रहे हैं, लगभग फॉर्मूले वही है। आई होप दैट इट इज क्लियर। आप यू हैव एनी डाउट यू कन्वे द मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।